टीचर बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार के नियोजित शिक्षक के लिए आज की क्या खबरें आई हैं। पहली बड़ी खबर यह कि सक्षमता परीक्षा में पहली से पांचवी कक्षा के 93% नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं। राज्य में राज्यकर्मी बनने के लिए सक्षमता परीक्षा में शामिल पहले से पांचवी कक्षा के 1,48,845 नियोजित शिक्षक में से 1,39,010 नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पहले से पांचवीं कक्षा के नियोजित शिक्षक की सक्षमता परीक्षा का परीक्षा फल शुक्रवार को जारी किया। परीक्षा फल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर अपलोड है। परीक्षा में शामिल पहले से पांचवीं कक्षा के 1,48,845 नियोजित शिक्षक में से हिंदी विषय के 1,29,493, उर्दू विषय के 19,317 एवं बांग्ला विषय के 89 शिक्षक शामिल थे। वहीं अगली बड़ी खबर यह है कि शहरी क्षेत्र के स्कूल में भेजे जा सकते हैं सक्षमता पास शिक्षक। शहरी क्षेत्र के स्कूल में सक्षमता पास शिक्षक भेजे जा सकते हैं। इसके लिए शहरी क्षेत्र के स्कूलों की रिक्ति अलग से बनाई जा रही। मुजफ्फरपुर में नगर निगम समेत 11 नगर पंचायत से स्कूल की रिक्ति मांगी गई। शहरी क्षेत्र के 238 स्कूलों में पदस्थापन की तैयारी है। DU अजय कुमार सिंह ने इसे लेकर ब्यौरा मांगा है। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी बच्चों का अलग अलग ब्यौरा देना है। नगर क्षेत्र के साथ ही नगर पंचायत की रिक्ति के लिए स्कूल के प्राचार्य को निर्देश दिया। इसमें स्कूलवार कक्षावार नामांकित छात्र छात्राओं की संख्या देनी है। इसके साथ कुल शिक्षक की संख्या जिसमें विषयवार शिक्षक के नाम के साथ रिपोर्ट देनी है। BPSC से नियुक्त शिक्षक का पदस्थापन ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में किया गया है। DU अजय कुमार सिंह ने कहा कि 1 और 2 अप्रैल के स्कूल के हेडमास्टर रिपोर्ट के साथ बुलाए गए हैं। BPSC से 2 चरण में शिक्षक की नियुक्ति हुई है। इसमें नियोजित शिक्षक भी शामिल हुए हैं। शहरी क्षेत्र के दर्जन स्कूल में 2 से लेकर 5 तक शिक्षक कम हो गए। सबसे अधिक मिडिल स्कूल से शिक्षक कम हो गए हैं। विज्ञान गणित के शिक्षक शहरी क्षेत्र के दर्जन स्कूल में है नहीं। वहीं अगली बड़ी खबर यह है कि प्रवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी की सेवा समाप्त करने की अनुशंसा प्रखंड नियोजन इकाई से की गई है। मामला शिक्षा विभाग के अधिकारी के खिलाफ विरोध करने का है। DPO स्थापना के इस कदम से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा है। शिक्षक बंशीधर ब्रजवासी पर शिक्षक को लाठी और गुलदस्ता से विभागीय पदाधिकारी का स्वागत करने, शिक्षक के उकसावे वाले वीडियो YouTube पर डालने आदि का आरोप शिक्षा विभाग ने लगाया है। अगली बड़ी खबर यह कि सरकारी में एक तो निजी स्कूल में नए सत्र की पढ़ाई 2 अप्रैल से होगी। पटना जिले के सरकारी स्कूल में पहली से 12वीं के विद्यार्थियों के नए सत्र की पढ़ाई 1 अप्रैल से होगी। 2 अप्रैल से अधिकतर निजी स्कूलों में कक्षा शुरू होगी।